पर ट्राई तो करती हूँ। प्रॉमिस करो कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। समर, प्रॉमिस करो कि तुम जिया के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। ये बल्लू ने तो बुरी तरह फंसा दिया। यार है अपना, इसीलिए जितने पैसे बचाए थे सब लगा दिए, मगर ये बंदा है फिर भी खुश नहीं हो रहा। महेश अंकल को इस रोमांस के बारे में हम बताएंगे। बट बरखा बेबी, हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि नहीं बताएंगे। किसने किया प्रॉमिस? अबू, तुमने कुछ नहीं किया है। अब मैं पापा को सब सच बता दूंगी, सब कुछ। अब मैं पापा को सब सच बता दूंगी, सब सच बता दूंगी, सब सच बता दूंगी, सब सच बता दूंगी। सुनिए, ये एक मूली का और एक गोभी का पराठा है, गरम गरम है, खा लीजिए ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये हिसाब किताब बाद में। अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर लोन लेता हूँ तो उसका इंटरेस्ट भरने में मेरी आधी तनख्वाह चली जाती है, घर कैसे चलाऊं फिर? और अगर लोन नहीं लेता हूँ तो पैसे कहाँ से आएंगे? बल्लू को मैंने जुबान दी है, निभानी तो पड़ेगी। सुनिए, एक बात कहूँ आपसे, ये लोन के झमेले में मत पड़िए ना। घर में दो जवान बेटियां हैं, उनकी शादी भी तो करनी है। अब नहीं नहीं, गुस्सा मत कीजिए। बस मैं तो ये कह रही थी कि आज अगर लोन लिया तो कल क्या करेंगे? आप बिल्लू पाजी को कह दीजिए ना कि पैसे नहीं है। तुम अपना दिमाग जो है ना वो चूल्हे में रखो, समझ में आया? अगर यही बात बल्लू ने भी सोची होती जब मेरे सर पर छतनी थी तो तब क्या होता मेरा, हैं? एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे 15 दिन उसने मुझे अपने घर पर टिकाया, नौकरी दिलाई, सवाल अलग। आज जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं मना कर दूं? वाह भाई वाह। वैसे तो मैं लाऊंगा ये कहीं से भी। या कुछ मत कहो जी। मुझे पापा को सच बताना ही होगा अप्पू। नो जिया, जो तुम करना चाहती थी वो अब होने वाला। तुम्हें डांसर बनना था, राइट? वेल, अब वो टाइम आ गया है। बस कुछ दिनों के लिए चुप रहो और जब तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगी तब महेश अंकल से सब कुछ कह दो। वो कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें लगता है पापा कुछ नहीं कहेंगे? तुम पागल हो अप्पू। और वैसे भी तुम भूल गए, मैं डांस कर सकती हूँ लेकिन लोगों के सामने नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं दुनिया के सामने डांस करूं। नो जिया, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट। तुम डांस करोगी और मैं करवाऊंगा, और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद तुम सब लोगों के सामने डांस कर पाओगी। इनफैक्ट लोग नहीं, कैमरा के सामने भी डांस कर पाओगी। फिर पूरा देश तुम्हें देखेगा, पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, इनफैक्ट जानेगी कि जिया द परफेक्ट डांसर। ट्रस्ट मी जिया, मैं तुम्हें सपने नहीं दिखा। लुक, रोहन सर की फाइनल ऑडिशन में अभी थोड़ा वक्त है, हम प्रैक्टिस करेंगे और जब अपूर्वा और जिया डांस करेंगे तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, उनकी डेस्टिनी भी नहीं। लुक, आई एम कॉन्फिडेंट जिया, अब हम सब कुछ पाने के इतने करीब हैं तो छोड़ने का कोई फायदा नहीं। लुक, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ लेकिन महेश अंकल को नहीं। लेकिन अप्पू,
लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ओके? दिल से मत सोचो जिया, दिमाग से सोचो, ओके? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका बोझ तुम्हारे दिल पर है? तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? तो फिर प्रॉमिस करो कि जब तक तुम सोच और समझ ना लो, तुम महेश अंकल से कुछ नहीं कहो। प्रॉमिस करो जी। इस बार मेरी तनख्वाह कम क्यों है? 10% की कटौती हुई है और हर महीने होगी। 10% की कटौती? जी हाँ। दिमाग खराब है क्या? किस बात की कटौती? रेलवे बोर्ड का ऑर्डर है, अपने कर्मचारियों के सुनहरे भविष्य के लिए आपके कटे हुए पैसे विभिन्न योजनाओं में लगाए जाएंगे और जिनका फल आपको रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होगा। रिटायरमेंट के बाद? जी हाँ। रिटायरमेंट यानी बुढ़ापा? किसने देखा है बुढ़ापा? और मुझे फल अभी चाहिए। मैं क्यों इंतजार करूं बुढ़ापे का? मैं अपनी तनख्वाह नहीं कटवाना चाहता। ऐसे कैसे तनख्वाह काट लेंगे आप लोग? हैं? लूट मची है क्या? अंधेर है क्या? ये तो तानाशाही है। तो सब्रवाल साहब, ये मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? सरकारी आदेश है और हमें इसका पालन करना है बस। मैं किसी सरकारी आदेश को नहीं मानने वाला। हाँ, मेरे पैसे हैं, मैं चाहे लुटाऊं, चाहे खाऊं, चाहे डुबाऊं, सरकार कौन होती है फैसला लेने वाली? मुझे मेरा 10% चाहिए अभी इसी वक्त। बिना पूछे से कौन समझाए? साहब, साहब हमारे कॉन्ट्रैक्टर आपका इंतजार कर रहा है, आप कहें तो भेजो अंदर। हाँ भेजो। अरे नमस्कार सपरवाल महोदय, नमस्कार। मुबारका। आज से हम लोगों की साइट पे काम का श्री गणेश हो गया। हम लोगों की साइट का? अब हम लोगों कुछ बटा हुआ थोड़ी ना, जो हमारा है वो आपका है। अब क्या है कि हम लोगों का पेट तो आपके दस्तखत से ही चलता है ना। आपकी कृपा हुई भी तो मुझे ये टेंडर मिला। बधाई हो। बहुत सोच समझकर मैंने तुम्हारा नाम फॉरवर्ड किया था। सैकड़ों कॉन्ट्रैक्टर थे लेकिन मुझे ईमानदार आदमी चाहिए। देखो, काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस नाम होना चाहिए। आज तक कोई गड़बड़ हुई है जो अब होगी? हम एक ईंट रखते हैं तो आपको याद करते हैं, सीमेंट की एक भी बोरी खोलते हैं तो आपको याद करते हैं। आप टेंशन मत लो, आपने कह दिया, समझो हो गया। महोदय, जब मर्जी हो आकर साइट पे चक्कर लगा लेना। लो जी लो, प्रसाद देना तो भूल ही गया। साइट पे पूजा हुई थी ना, तो आपके हिस्से का प्रसाद। हम हो तो बेहिचक मांग लेना। अरे इतने प्रसाद का मैं क्या करूंगा, मुझे मुझे बस थोड़ा सा दे दीजिए, बाकी स्टाफ में बंटवा दीजिएगा। उनका प्रसाद तो काम खत्म होने के बाद, ये तो बस आपका हिस्सा है। ये डिब्बा तो सिर्फ आपके लिए है, आपके। ने वही किया जो बचपन से करती आ रही। पहुंच गई छत पे, अब पता नहीं उसको किसी ने क्या कह दिया, क्या हुआ, पर जो भी हुआ उसके लिए मैं कितनी जिम्मेदार हूं। दादी, अप्पू और समर की ना लड़ाई हो गई है। क्या? मुझे लगता है जिया इसी बात से थोड़ी अपसेट है। तो तेरा मतलब
समर और अप्पू की लड़ाई हुई थी, ये अप्पू स्कूटर से नहीं गिरा था? अब समझी। पता नहीं दादी, ये जिया भी अजीब अजीब बातें करती है। उसकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है, कितनी खुशियां उसकी जिंदगी में, छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। हाँ बेटा, अब छोटी छोटी बातों को दिल पे थोड़ी लगा लेना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात तो है कि अप्पू उसके साथ है, इससे बड़ी खुशी की बात जिया के लिए क्या हो सकती है ना? अच्छा तूने एक बात नोटिस की हिमानी, जब से अप्पू जिया की जिंदगी में आया है वो कितनी बदल गई है। अब बात करते हुए भी वो लड़खड़ाती नहीं है और सामान भी यहां वहां नहीं फेंकती है ना। पर अपनी जिया तो फिर जिया ही है, सोचती होगी मैं इतनी खुश क्यों हूं। चल बेटा, हमने तो अपना काम कर दिया, जिसका दाल वही तड़का लगाए। दादी मुझे तो दाल बड़ी मसालेदार बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, महेश अंकल को अगर पता चल गया फिर क्या होगा? फिर महेश हमारा भरता बना के खा लेगा या खुद भूख हड़ताल में बैठ जाए। साइट पे पूजा हुई थी ना, तो आपके हिस्से का प्रसाद, ये तो बस आपका हिस्सा है, हम वो तो बेहिचक मांग लेना। देख रही थी, और पता है मैंने तो तीन बार चूल्हे पे गरम किया खाना, चूल्हे से उतारा, और अब तो मैं खाना गरम करके लाती हूँ। हाँ ये सामान दीजिए जरा। और नहीं, मुझे भूख नहीं है। जी 2,55,000 रुपया एक आदमी के सिर। साइट पे पूजा हुई थी ना, तो आपके हिस्से का प्रसाद, हम हो तो बेहिचक मांग लेना। क्या फायदा मेरे दोस्त का इंडिया में रहने का, अगर वो छोटे छोटे काम के लिए लेकिन लगाए। वेरी सैड, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। फिर प्रॉमिस करो कि जब तक तुम सोच और समझ ना लो, तुम महेश अंकल से कुछ नहीं कहोगे। आखिर रहोगे तुम डब्बू के डब्बू। तुझे डब्बू ही बनना था तो किसी और के घर पैदा हो जाती। ये डब्बू है और डब्बू रहेगी, सारी जिंदगी मुझे भुगतना पड़ेगा। पापा, आप अभी तक काम कर रहे हैं, सोए नहीं? हाँ वो ऑफिस ऑफिस का कुछ काम निपटाना था। पर डब्बू तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? मैं तो सोई नहीं पापा, वो प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी।
चाय पियेंगे पापा। इतनी रात को? आप कब से काम कर रहे हैं? सर दर्द भी हो रहा होगा। क्या हुआ पापा, आप परेशान हैं? नहीं, वो मैं तो नींबू पानी पीने की सोच रहा था, तूने चाय की बात छेड़ दी तो। पीना नींबू पानी है मगर मन कह रहा है कि चाय पियो। मैं अभी लाई। समझौता समझौता, नींबू पानी की जगह चाय। डब्बू, कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा हो कि ये करूंगी क्योंकि यही सही है, मगर करना कुछ और पड़ा हो? मतलब जो तुम करना चाहती हो और जो तुम्हें करना पड़ रहा है, उन दोनों में अगर तुम्हें चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगी? मुझे वैसे ज्यादा समझ में तो नहीं आता है पापा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ पा रही हूँ। जैसे हम पीना चाहते हैं नींबू पानी, लेकिन हमारे पास है सिर्फ चाय पत्ती, तब हम नींबू पानी कहाँ से पी पाएंगे? नजरिए का फर्क है बेटा, नजरिए का फर्क है। ऐसा भी होता है, सही काम की तरफ चलो तो रास्ता गलत ओर मुड़ जाता है, और अगर ना भी मुड़ना चाहे तो लोग गलत रास्ते की ओर मुड़ देते हैं। हो सकता है लोगों को सही गलत की समझ ना हो, हो सकता है लोग जिसे सही समझते हो वही गलत हो, इसीलिए लोगों की नहीं सुनना है, उनकी बात नहीं माननी है, वही करना है जो तुम्हें ठीक लगे। चाय? न नींबू पानी न चाय, यही यही सही है। पानी पीने उठी थी और पानी पिए बगैर ही जा रही। अबू,
तुम मुझे भूल सकते हो तो मैं भी तुम्हें भूल सकती हूँ अप्पू। तुम रिग्रेट करोगे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ पापा। मैं रेड ऑन केमिकल्स में काम नहीं करती हूँ। मैं रेड में काम करती हूँ और मैं डांसर बनना चाहती हूँ। अप्पू, तुमने मुझे धोखा।